अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लिविंग विद शेफर, और मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर शेफर, बट मेरे चैनल का नाम है सिंपल लिविंग विद शेफर। अभी उधर कुछ लगता है बारात आ रही है तो काफ़ी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। अभी मैंने खाना के लिए दाल चावल चढ़ा दिया है, और दाल चावल चढ़ा दिया है और अभी मैं फ्री हूँ। इस टाइम मैं जाऊँगी लहसुन चिल्ले, और मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बताऊँगी जो घर पे बहुत आसानी से आप गार्लिक को पिल ऑफ कर सकती हैं। एक माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी मस्ती चलते रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, शायद पूजा है, पूजा के लिए लोग जा रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी, तो अभी अब क्लियर आवाज आएगी। सो मैं अभी जा रही हूँ गार्लिक को पिल ऑफ करने। मेरे पास एक पिलर है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। मैं अभी जा रही थी तो मुझे लगा ये है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। गार्लिक पीलर, ये एवरेस्ट का, एंजल एवरेस्ट, मुझे पता नहीं, ऐसे लोकल ब्रांड है ये। तो इसे मैं किस तरह पिल ऑफ करती हूँ गार्लिक का, बहुत इजीली हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। पहले मैं बाई से गार्लिक निकलवाती थी, बट जब से मुझे ये मिला है तो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होता है मैं फ्रेश निकाल लेती हूँ, और आप इसको निकाल के स्टोर भी कर सकती हैं। यही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह ब्लॉक करती हूँ। शायद ज़्यादा क्लोजअप हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए फिर मैं किस तरह निकाल गार्लिक, बहुत थोड़ा निकालूंगी। अभी सब्ज़ी बनाना है, दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है, दाल में अभी सीटी कुकर दे रहा है, और चावल मैं राइस कुकर में चढ़ा चुकी हूँ। और बच्चे आएंगे 12:45 तक आएंगे, तब तक मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लूँ। मैं क्या सब्ज़ी, मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, अभी कोई सब्ज़ी है भी नहीं घर पे, तो मैं आलू की कोई सब्ज़ी बना लूँगी। सॉरी, चलिए फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है गार्लिक, और ये इस तरह दिखता है। ये रबर का होता है और इससे काफ़ी इजीली निकल जाता है। तो इसको क्या करूँगी, मैं इसको इसमें डाल दूँगी, डायरेक्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दो दो करके करिए, ये ज़मीन में ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह रब करना है हल्के हाथों से, ये देखिए ये निकल गया, और इसको इस तरह रख लीजिए। जो बहुत मुश्किल से अगर हो रहा है तो उसको फिर से दोबारा आप कर लीजिए। इस तरह का अगर हो गया है, बस थोड़ा सा निकालना है, तो अपने हाथ के हेल्प से आप इस तरह निकाल सकते हैं।
बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल जाता है। ये पूरी तरह निकला नहीं है तो आप इसे साइड रख दीजिए, आप इसे बाद में फिर से उसे रब करके इसका छिलका निकाल सकती हैं। तो इस तरह आपको फिर भूनना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये भी नहीं निकल रहा तो इसको साइड कर दीजिए। काम जल्दी करना लेट ये आपके हाथों में होता है, समझदारी से करने से काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह आप निकाल लीजिए। ये अब दो लहसुन में इतना सारा ऐसे भी इसलिए निकाल सकती हैं, नहीं तो इसको आप दोबारा एक बार रब कर सकती हैं। जो छिलके थोड़ा मुश्किल से अगर आप निकल रहे हैं तो उसे आप दोबारा इस तरह रगड़ लीजिए रबर के अंदर डाल के। अगर जो इजली निकल जा रहे हैं तो आप अपने हाथों के हेल्प से, ये देखिए ये इसके इसमें छिलका अभी ज़्यादा है तो इसको मैं दोबारा ऐसे करूँगी। ये हो गया ये इस तरह, और आप ये दे सकती हैं, ये वाला निकल चुका है, बस हल्का सा ये ऊपर का निकाल के ये पी। तो दो लहसुन आपने देखा कितना जल्दी हो गया, मुझे इतने सारे अभी करने हैं तो मैं फटाफट आपको करके दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो गार्लिक पील ऑफ किया है उसमें कितने सारे कचरे निकले हैं। इतना सारा मैंने, और ये इतना सारा मैंने गार्लिक निकाला है। ये देसी गार्लिक है और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से मुझे 4 मिनट समझ लीजिए मुझे इतने गार्लिक निकालने में लगा है और मेरा चावल लगता बन गया है। तो इस तरह आप आसानी से इसका यूज़ करके आप चावल मेरा बन गया है और मैं इसे यहाँ से ऑफ कर दूँ। ये मुझे इसलिए इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी मेरा एक कबड़ है जो माइक्रोवेव ओवन और ये राइस कुकर एंड मिक्सी का कबड़ आने वाला है। जब मैं उसे एडजस्ट करूँगी तो शायद इतना मुश्किल नहीं आएगा, अभी तो बहुत मुश्किल आ रहा है। तो आपने देखा मैंने गार्लिक को किस तरह पिल ऑफ कर लिया है और बहुत इजीली हो गया है, बहुत आसानी से हो जाता है और सबसे खाना बनाने का काम बहुत इजी से हो जाता है। बट इस तरह छोटे मोटे काम, सब्ज़ी त्रासना और गार्लिक को छीलना, उसके छिलके निकालना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे स्पेशली बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपके पास होगा तो बहुत आसानी से आप निकाल सकती हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपको बता देती हूँ, किसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो बनाने से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको भी कहीं ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा तो आप प्रोडक्ट से ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदता है तो आदमी को, कोई भी इंसान को ये लगता है कि पता नहीं ये यूज़फुल होगा कि नहीं होगा। बट मैं इसके बारे में बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा है और गार्लिक का तो हर घर में काम आता है, हर घर में काम होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप ले लीजिए। और ये सारे छिलके भी निकल गए हैं और अभी मैं बनाने जाऊँगी सब्ज़ी। मैं दाल चावल तो बन गया, सब्ज़ी बाकी है। सब्ज़ी आज घर पे है नहीं तो मैं सोच रही हूँ आलू की कोई सब्ज़ी बना लूँ और
खसखस जिसे पोस्टी कहते हैं उसका मैं चटनी बना लूँ। तो यहाँ पे मेरा खसखस अभी भून रहा है, इसमें मैं चना दाल डालूँगी और इतना खसखस नहीं लेते हैं, ये करीब 250 ग्राम था, सॉरी 100 ग्राम था। मैं देखती हूँ ये था 100 ग्राम था और इसे मैं भून के एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी और जितना मुझे यूज़ करना है उतना मैं निकाल लूँगी। तो ये अभी भून रहा है और यहाँ पर मेरा दाल रेडी हो गया है। दाल में मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाला है और मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, इसे मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तो खसखस यहाँ पे भुन गया है और इसी गरम कढ़ाई में मैं थोड़ा चना दाल डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि ये पिसने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गार्लिक ले लिया है और इसको मैं क्रश कर दूंगी और जो मैंने जो छिलके निकाले थे अब उसको मैं बाकी में डाल दूंगी। डब्बे अच्छे से बंद होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसे क्रश कर लूंगी। यहाँ पे मैंने आलू धो के रख लिया है और इसे अब मैं काट लूँगी। इसका जो साइज़ है ऐसे राउंड को मैं इसी तरह काट लूंगी और चना भी लगभग भुन चुका है। अब मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी करती हूँ। अब मैं ये खसखस इसमें डाल दूंगी, बस इतना है। और इसमें मैं डालूंगी गार्लिक, चना दाल है जो भून चुका है इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। इन सब को डालने के बाद पानी लाना भूल गई थी। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के लगभग आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और तो पीसने में आसानी हो। तो इस तरह मैं डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब खाने बैठूँगी तो उसे पीस लूँगी। मैंने आलू कर लिया है, मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे दाल जो मेरे तैयार है हल्दी और नमक डाल के उसमें अब मैं तड़का डालूँगी। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, मैं कर लिया है चूल्हा क्योंकि खाना बनाते टाइम आप बाल खुला नहीं रख सकते हो, मुझे बहुत गर्मी लगती है और हल्की हल्की हवा चलने लग गई है। देखिए पत्ते खिलते हुए दिख रहे थे, अभी कुछ देर पहले बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, अभी हवा चल रही है। गर्मी काफ़ी है और बारिश अभी तक हो नहीं रही है, पता नहीं कब तक बारिश होगी। और मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ, पहले मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती थी, आजकल मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। चेंज करके तेल यूज़ करते रहना चाहिए। तो मैं अभी डाल रही हूँ तेल, ये मैं दाल के तड़के के लिए तेल डाल रही हूँ। ये अब डब्बा देख रही है, मेरे पास ही कंटेनर था और उसके बाद मैंने स्टील वाले शॉप में जाके मैंने ऐसा
तेल निकालने के लिए ख़रीदा और इसमें लगा दिया, तो मुझे दोबारा दूसरा तेल का कंटेनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया है गरम। अब मैं इस तड़के में क्या क्या डालूंगी, मैं पहले इसे खोल देती हूँ ताकि तड़का लगाते ही मुझे तुरंत दाल में डालना होगा। तो सबसे पहले मैं डालूंगी हींग, हींग के बाद थोड़ा जीरा, जीरा के बाद ये ज़्यादा हो जाएगा बस दो लाल मिर्च, और आखिरी में ढेर सारा तड़का तैयार। तड़का लगाते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो जलने का पूरा प्रबंध रहता है, इतना गर्म तेल रहता है। तो हो गया आपका तड़का तैयार, थोड़ा देर और इसको सॉटे कर लेंगे। जीरा तड़कने लग गया है और मैं इसे निकाल के इसके ऊपर फ्लोर कर दूंगी और ताकि इसका फ्लेवर उड़े नहीं। अब इसी कढ़ाई में मैं दोबारा से तेल डालूंगी, इस बार मैं रिफाइंड तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में एक कैमरा और मैं मस्टर्ड ऑयल एनी टाइम नहीं यूज कर खोल नहीं सकती। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हींग, हींग के बाद मैं डाल दूंगी ये सारे आलू, आलू को यहाँ पे थोड़ा फ्राई कर लेंगे तेल में, और फ्राई करते करते मैं डाल दूंगी लाल मिर्च, नमक। ये मेरे घर में ऐसे गोल आलू कहा जाता था, गोल आलू के नाम से हम सभी बच्चे बहुत खुश होते थे वो खा के, क्योंकि ये गोल होता था इसलिए हम लोग इसे गोल आलू कहते हैं। नमक और ये जो अदरक मैंने जो पेस्ट किया है वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो थोड़ा सा सॉटे करके, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, ढक के ही पकाना है। इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ हल्का गलने के लिए, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे ढक दूंगी गलने के लिए और सिम को कम कर दूंगी। तो मैं अभी नहा ली हूँ और मैंने कुछ कपड़े हाथ से धोए हैं, इनके जो शर्ट हैं वो सब हाथ से धोए हैं, और अभी दो अभी 12 बजे मौसम बहुत ही गर्म हो रहा था और अभी का मौसम अच्छी हवा चलने लगी है, अब इस पत्ते से मालूम होता है। इससे पहले भी बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, गर्म हो रहा था, मैंने खाना बनाया और फटाफट मैं जाने खाना खाने। और अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।